कहानी संतोष का फल। एक बार एक देश में अकाल पड़ा, लोग भूखों मरने लगे। नगर में एक धनी दयालु पुरुष थे। उन्होंने सब छोटे बच्चों को प्रतिदिन एक रोटी देने की घोषणा कर दी। दूसरे दिन सवेरे बगीचे में सब बच्चे इकट्ठे हुए, उन्हें रोटियां बंटने लगे। रोटियां छोटी बड़ी थी। सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर बड़ी रोटी पाने का प्रयत्न कर रहे थे। केवल एक छोटी लड़की एक ओर चुपचाप खड़ी थी। वह सबसे अंत में आगे बढ़ी। टोकरे में सबसे छोटी रोटी बची थी, उसने उसे प्रसन्नता से ले लिया और वह घर चली गई। दूसरे दिन फिर रोटियां बांटी गईं। उस लड़की को आज भी सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की ने जब घर गई तो उस रोटी को तोड़ी तो उसमें सोने की एक मुहर निकली। उसकी माता ने कहा, मुहर उस धनी को दे आओ। लड़की दौड़ी दौड़ी धनी के घर गई। धनी ने उसे देखकर पूछा, तुम क्यों आई हो? लड़की ने कहा, मेरी रोटी में यह मुहर निकली है, आटे में गिर गई होगी, देने आई हूँ, आप अपनी मुहर ले लें। धनी बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी धर्म पुत्री बना लिया और अपनी माता के लिए मासिक वेतन देने का निश्चय कर लिया। बड़ी होने पर वह लड़की इस धनी की उत्तराधिकारी बनी।